हेलो, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल. गुड मॉर्निंग गाइस. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं, और दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की हो गई है. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सिमरन, शिवाजी, जय श्री. तो सबसे पहले तो सेशन में जुड़ जाएं और सेशन को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि जो सेशन से लास्ट के कुछ दिन में जो सेशंस हैं, जो हमारे एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका एग्ज़ाम में. और ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. लास्ट 3 से 4 साल के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. ये हेल्पफुल रहेगा आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि इसी तरह के जो सवाल हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. चलिए, तो जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि भाई एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, यानी कि जो ऑफिशियल डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है दैट विल बी ऑन 6th of June. और जो केमिकल साइंस के हैं और जो मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम 7 को पड़ा है, और फिजिकल और अर्थ दैट विल बी ऑन 8th of June. तो यानी कि आज क्या है भाई, आज है 30, तो यानी कि कुल मिला के 5-6 दिन बचे हैं बस. तो इन्हीं क्लासेस में आपको जो आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. नई चीज़ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, नई चीज़ पे नहीं मूव करना है. जितना पढ़ रखा है ऑलरेडी उसी को बार बार आप रिवाइज़ करो, और टेंशन मत लो. जितना भी आपने पूरे साल पढ़ा है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है, बस उसी पे फोकस रखो. अभी एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और माइंड को जितना हो सके उतना थोड़ा सा लाइट रखें. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाँ जी, ये क्लास हमारा एग्ज़ाम मैपिंग कल से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा एग्ज़ाम तक, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम तक चलेगा, तो आप यहाँ पे 11 बजे जनरल एप्टीट्यूड को मेरे साथ लाइव जुड़ जाया करो रोज़, और ये हेल्पफुल रहेंगे सेशंस. चलिए, तो सेशन को करते हैं स्टार्ट. हर बार की तरह यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ. अपने कॉपी और पेन आप लोग रेडी रखो. हर क्वेश्चन के लिए मैं कुछ दूंगा समय, उस समय सीमा के अंदर उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, करना है, और उसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा. ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि भाई बेस्ट वे में, विद इन टाइम, टाइम के अंदर उस सवाल को कैसे बनाया जाए. एग्जाम में टाइम ज़्यादा नहीं लेना है क्वेश्चन में. अगर टाइम ज़्यादा लोगे, भाई 4-5 मिनट लगे एक क्वेश्चन में, तो इससे अच्छा है उस क्वेश्चन को ना करें, ठीक है? तो टाइम को सेव करें और बाकी क्वेश्चन को, यानी कि जिसमें एक्चुअल में टाइम की ज़रूरत है उसको टाइम दे. आ जाएगा, वो भी टाइमली आ जाएगा एडमिट कार्ड, डोंट वरी अबाउट दैट. तो बस अभी फोकस करें कि जो आपने पढ़ा क्या है और आपको अब क्या रिवाइज करना है, ठीक है? तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए. अगर आप लोग रेडी हो तो भाई लिख दो रेडी. तो मैं पहला सवाल आज का आपके सामने दे देता हूं. जैसे कि आप लोग पता है भी 20 में से 15 सवाल होते हैं, 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसको आप देखना भी मत, ऐसे सवाल होंगे जिसको देखना भी नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं उस क्वेश्चन को करने के लिए. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आती है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ऐसे कुछ टॉपिक सबके होते हैं 2-3 जिसमें हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो उन टॉपिक को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. वही 5 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने हैं आपको, बाकी 15 अपनी चॉइस के बेस्ट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको करना, ठीक है? सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, रेडी? ठीक है, तो पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पे भाई ये रहा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. चलिए करिए जरा इसको, जरा टेक योर टाइम, अप्लाई योर ब्रेन. दिस सिंपल क्वेश्चन इज फ्रॉम परसेंटेज, परसेंटेज का ही सवाल है. चलिए, पोल मैंने यहां पे दे दिया है, तो उसका आंसर आप लोग पोल में करें.
और सेशन को बराबर से लाइक शेयर भी करें जिससे और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकें। नो मैटर आप फिजिकल केमिकल या लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, हर एक के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि एप्टीट्यूड तो हर जगह आता है और सेम आता है। ऑप्शन नंबर थ्री फोर भी आ रहा है आंसर। ओके चलिए अब सवाल को देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमसे अप्रोक्सीमेशन में भी पूछ लेता तो उसका भी ध्यान देना, ठीक है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमें वैल्यूज का जो आंसर है वो दे रखा होता है। चलिए सवाल हमसे ये कह रहा है भाई, 360 ml aqueous solution contain 40% alcohol, यानी कि 360 ml aqueous solution है मेरे पास जिसके अंदर 40% alcohol है। aqueous solution का मतलब यानी कि दो मिक्सचर यहाँ पे हमने मिक्स कर रखे हैं, तो अगर 40% alcohol है तो बाकी का 60% यहाँ पे हमारा वाटर होगा। तो अगर 360 ml मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 40% यानी कि 40% अल्कोहल है और बाकी का 60% मेरे पास यहाँ पे होगा वाटर, राइट। नाउ इफ 3600 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू इट देन व्हाट परसेंट ऑफ अल्कोहल इन फाइनल मिक्सचर, यानी कि इसके बाद इस 360 ml के अंदर 3600 ml पानी मैंने मिला दिया तो अब ये बताना है जो अल्कोहल की जो मात्रा है उसका कितना परसेंटेज। तो बहुत आसान सा सवाल है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल हमको निकालना है। तो आप सभी को पता है भाई अल्कोहल कितना है, अल्कोहल इज 40% ऑफ 360, दिस इज अल्कोहल। और पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की जो मात्रा है यानी कि सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 360 ml तो एक्वस सॉल्यूशन मेरे पास पहले से था, इसके ऊपर मैंने 3600 ml यहाँ पे पानी डाल दिया, राइट। यानी कि इतने सॉल्यूशन का इतना पार्ट अल्कोहल है। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100, सिंपल बात। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस, क्या होगा भाई, दिस विल बी 144 and this will be 40/11, यानी कि ये पूरी तरह से कैंसिल तो नहीं होगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आएगा ये मुझको बताएं। This will be 3 point something. तो ऑप्शन तो हमको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर टू, हमको भाई ऑप्शन नंबर टू दिख रहा है। 3.63 करके आंसर इसका आएगा, यानी कि दिस विल बी 33 बचा 7, 66, उसके बाद 3 times, यानी कि 3.63, ऑप्शन नंबर टू विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू भाई, ये बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई। जितने अल्कोहल की मात्रा है उसको हमने ऊपर रखना है और टोटल सॉल्यूशन की मात्रा हमको नीचे रखनी है और मल्टीप्लाई कर देनी है यहाँ पे 100 से, देन वी विल गेट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, राइट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर टू 3.63। इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा क्योंकि लास्ट लेक्चर का भी आपको सारा अपडेट वहीं पे मिलता है, ठीक है।
तो इसका जो इसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, उस पर कलेक्ट कर ले। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या अगर क्रिस्टल क्लियर है तो भाई लिख दो क्रिस्टल क्लियर, फिर हम अगले क्वेश्चन पे तुरंत चले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, जरा आराम से 2 मिनट का समय लें और इस क्वेश्चन को जरा समझें। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और थोड़ा समझने वाला है। अगर समझोगे कि भाई ये ऑप्शंस अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, एक छोटे छोटे एग्जांपल से समझोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 0 देन, यानी कि अगर 5 मेरे पास नंबर है उनका जो मीन है, मीन का मतलब एवरेज, मान लो अगर एवरेज उन नंबर्स का 0 है तो इन चारों में से क्या चीज सही है। कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 0, यानी कि पांचों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो 0 होना चाहिए। एटमोस्ट 2 ऑफ आर पॉजिटिव, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे पोल दे देता हूँ, तो जल्दी फटाफट से इसका आंसर मुझे आप लोग पोल में करें। चलिए स्टार्ट करें। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड और थर्ड के बीच में आंसर आ रहे हैं। थोड़ा सा समझिए और सोचिए, एक छोटे छोटे से एग्जांपल लोगे तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में उतनी आसानी होगी। चलिए अब जरा ध्यान से देखें, हमसे कह रहा है जो अर्थमेटिक मीन है जिसको मैं एवरेज भी बोल रहा हूं, तो 5 नंबर्स का जो मीन है वो 0 हमको दे रखा है, राइट। अब कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 0, क्या ये जरूरी है क्या उन सभी 5 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा तभी उनका मीन 0 होगा, क्या कंपल्सरी है? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। क्यों? एक एग्जाम्पल से ले लो, मैं मान लेता हूं भाई उन 5 में से 4 नंबर तो ये हैं और 5वां नंबर 8 है, इसका मैं आपसे कहूंगा भाई एवरेज लो, इसका एवरेज क्या करोगे आप, सभी को प्लस करोगे और 5 से डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट द 0 एज योर मीन, क्योंकि दिस विल बी -2 -2 -2, ये हो जाएगा -8, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0/5 यानी कि 0। तो ये तो आपका अर्थमेटिक मीन है। अब पहले वाला ऑप्शन में कह रहा है प्रोडक्ट इसका क्या 0 होगा, अगर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0, नो यू विल नॉट गेट 0, इट्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो एग्जाम्पल से समझना है। नेक्स्ट, एटमोस्ट 2 ऑफ देम आर पॉजिटिव, अभी कह रहा है कम से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है भाई, ये छोटे छोटे से जो वर्ड है ना इनको समझ में आना चाहिए, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट 2 ऑफ देम आर पॉजिटिव, अब ये कह रहा है कि ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा उनमें से 2 नंबर पॉजिटिव होंगे, 2 से ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्या ये ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है भाई। एक एग्जांपल आप ले सकते हो कोई भी, जैसे कि एक ले लो 1, एक ले लो दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, चौथा 1 और लास्ट वाले को ले लो -4, भाई 2 से ज्यादा नंबर यहाँ पे पॉजिटिव हैं, 4 नंबर पॉजिटिव हैं, तो ये तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। देयर कैन नॉट बी एग्जैक्टली 1 0, कह रहा है यहाँ पे इन 5 नंबर में से केवल 1 नंबर 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, हो सकता है। एक को 0 ले लो, बाकी नंबर को 1 1 1 और -3 ले लो,
अब भी तो इनका एवरेज जीरो है, यानी कि ये भी गलत। इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आगे, देयर कैन नॉट बी ओनली वन नॉन जीरो नंबर, कह रहा है देयर कैन नॉट बी ओनली वन नॉन जीरो नंबर, लेकिन पांचों में से केवल इकलौता नॉन जीरो नंबर नहीं हो सकता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कोई भी नंबर है माइनस टू और बाकी के चार नंबर जीरो होंगे, क्या कह रहा है, देयर कैन नॉट बी ओनली वन नॉन जीरो नंबर, यानी कि केवल एक नॉन जीरो नंबर नहीं हो सकता। वन ओनली वन नॉन जीरो का मतलब क्या है कि एक नॉन जीरो, बाकी के चारों जीरो, बाकी के चारों जीरो, एक नॉन जीरो, या तो माइनस में ले लो या प्लस में ले लो। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो ठीक बात कह रहा है, क्योंकि इसका एवरेज अगर मैं निकालूंगा ये कभी भी सिंगल नंबर का एवरेज जीरो नहीं आ सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर विल बी द राइट आंसर। देखो बहुत ही सोचने समझने वाला सवाल। बताइए, चीज समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन क्यों रुक गए भाई? Is there any problem? Just a second. अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो भाई लिख दो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर। अब ये और भी ज्यादा बेहतरीन सवाल आपके सामने आ रहा है, ये लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन। चले देखो, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप अपना समय लेना। सवाल ये कह रहा है, स्टेट इन द मैप बिलो आर टू बी कलर्ड सो दैट नो टू स्टेट हैविंग कॉमन बाउंड्री हैविंग द सेम कलर। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको इंडिया का जो मैप दिख रहा है ना, कुछ पार्ट, कुछ रीजन दिख रहा है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो दिख रहा है, अब ये कह रहा है हर एक स्टेट को, आप कभी इंडिया के मैप में देखना कभी वो कलर्ड होगा, तो उस कलरिंग जहाँ पे उसको कर रखी तो हर एक स्टेट को अलग अलग जो कलर से यहाँ पे शो करेगा। इससे ये पता लगेगा कि आपको ये वाला स्टेट का पार्ट इतना है, ये वाला स्टेट का पार्ट इतना है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स यहाँ पे करे जाएंगे। अब ये कह रहा कि जो दो स्टेट जिनकी बाउंड्रीज कॉमन है उसको हम सेम कलर से कभी भी कलरिंग नहीं करेंगे, उसको अलग कलर से करेंगे, जिसकी कॉमन बाउंड्री है केवल उसकी बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स नीडेड इज, हमको क्या कंडीशन दे रखी है कि कम से कम कलर का यूज करना है, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई रखनी है कि दो बाउंड्रीज जो कॉमन है उसे कभी भी सेम कलर से कलर नहीं करना है। इसीलिए हमको ये बताइए कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स वी हैव टू फाइंड। टेक योर टाइम और थोड़ा सा सोचिए। ये क्वेश्चन जैसा लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बस वही चीज है कि राइट अप्रोच अगर आपको पता है किसी भी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कभी भी टाइम नहीं लेगा। चलिए, पोल आपके सामने आ चुका है, तो अपने आंसर्स को मार्क करें।
ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, फोर, ओके। हाँ ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखें, जिनको नहीं समझ में आया वो। अब देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, एक कॉर्नर से, ठीक है। अब यहां पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो लेट से ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है इसको मैंने कलर कर दिया किसी कलर से, इसका नाम मैंने ले दिया कलर वन, सी वन, ठीक है। अब इस स्टेट से लगने वाला ये वाला स्टेट और इधर वाला स्टेट, इसको कभी भी मैं सेम कलर से कलर नहीं करूंगा। यानी कि अगर ये सी वन है तो ऑब्वियसली ये फिर सी टू कलर से कलर करूंगा, और इस वाले स्टेट को सी थ्री से, और इसके नीचे वाले स्टेट को सी फोर से, इस तरह से, ठीक है। अब सी थ्री स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सी थ्री स्टेट से लगने वाला ये वाला जो स्टेट आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको मैं सी थ्री कलर के अलावा सी टू कलर से कलर नहीं कर सकता हूं, ना ही सी फोर से कर सकता हूं, क्योंकि सी फोर, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको देखना है। देखो ये वाला जो स्टेट है ना, ये सी फोर वाले से थोड़ा सा टच हो रहा है यहाँ पे, और सी थ्री पे यहाँ पे टच हो रहा है, और सी टू पे यहाँ पे टच हो रहा है। इसका मतलब सी टू, सी थ्री और सी फोर, इन तीन कलर से मैं इसको कलर नहीं कर सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा क्या, सी वन। अब आगे बढ़ा जाए, अब इस वाले स्टेट को, ये वाला जो स्टेट है इसको सी वन से कलर नहीं कर पाऊंगा, और सी टू से कलर नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं इसको सी वन से या सी फोर से, जिससे भी मैंने उससे मैं कर सकता हूं। लेट से इट इज सी फोर, इसको मैं सी फोर मान लेता हूं, ठीक है। अब इधर वाला स्टेट, इसके ये वाला जो स्टेट है, इसको मैं ना तो सी वन से कलर कर सकता हूं, ना ही सी फोर से, क्योंकि इसकी कॉमन बाउंड्रीज टच हो रही है। लेट से ये जो स्टेट है, ये कौन सा है, ये है सी टू कलर वाला। चार कलर होंगे, ओके। अभी देख रहे हैं, अभी तक तो हमको ये लगता है अभी चार कलर है, क्योंकि सी फोर तक ही हमने यूज किया है। अब इसके पड़ोस वाला जो स्टेट है, ये वाला, इसको मैं सी टू से कलर नहीं कर सकता, और किससे नहीं कर सकता भाई, और सबसे कर सकता हूँ, लेट से इट इज सी थ्री। जो भी ऑप्शन में हमारे पास है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और अगर इस वाले स्टेट की बात करी जाए, ये वाला स्टेट, इसको मैं सी फोर से नहीं कर सकता, और सी वन से नहीं कर सकता, और क्या बचा, और तो सब हो गए, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं मान लेता हूँ सी टू। अब ये वाला जो स्टेट आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको स्टेट दिख रहा है, इसको मैं सी थ्री से नहीं कर सकता, और ये जो सी टू से नहीं कर सकता, और सी वन से नहीं कर सकता। सी वन, सी टू एंड सी थ्री किससे करूंगा, फिर सी फोर से कर दूंगा। और सी फोर के ये वाला, इधर वाला जो स्टेट आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्टेट है, इसको मैं सी टू से नहीं कर सकता, और सी फोर से नहीं कर सकता, तो इसको सी वन से कर दो भाई। हमसे कम कलर का यूज करना है, तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है। तो हमने चार कलर का यूज किया है, चार कलर से पांचवें कलर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। दैट्स वाई वी आर सेइंग ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप सभी लोगों ने आंसर एकदम ठीक किया भाई, 43% स्टूडेंट्स ने। मैप नहीं आएगा, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो देखिए, मैप नहीं पूछ रहा है पर्टिकुलरली, ये पूछ रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स टू बी नीडेड टू कलर द मैप। क्वेश्चन था ना बढ़िया। सभी लोगों को समझ में आ गया कि जो दो स्टेट जिनकी कॉमन बाउंड्रीज हैं, उन दोनों स्टेट को कभी भी सेम कलर से नहीं कलर करना है, ठीक है, डिफरेंट कलर से कलरिंग करनी है। तो इस तरह से हमको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स का हमको यूज करते हुए कितने कलर्स का यूज हम कर सकते हैं, कम से कम मिनिमम का क्वेश्चन। ठीक है, फोर कलर्स आर इनफ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखो क्वेश्चन तो एक से एक अच्छे हैं एग्जाम में, बस वही चीज है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा वहां पे पेशेंस दिखाना। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में हर एक क्वेश्चन को जल्दीबाजी में आगे लेके गए तो कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है।
थोड़ा सा समय दो। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से ये सवाल है, तो 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं एग्जाम में जिसमें 1 मिनट का समय भी नहीं लगता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या कह रहा है देखो। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो सभी स्टूडेंट्स सेशन को और भी शेयर करें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं पार्ट ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सी एस आई नेट, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सेशन को बराबर से लाइक शेयर भी करें। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर टू, ठीक है भाई। ये सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं, दिस इज फ्रॉम इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है वो क्या होता है, यानी कि एक इवेंट का जो फर्क है दूसरे इवेंट पे अगर नहीं पड़ता है, उस पर्टिकुलर केसेस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो उसी का ही सवाल। एक कॉइन को मैंने उछाला है, टॉस किया है, उस कॉइन को टॉस करने के बाद जो 5 हमने यहाँ पे टॉस किए हैं, तो कॉन्सिक्यूटिव हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर नंबर आया है। अब ये बताना है छठे टॉस में भी वही नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरह का सवाल ये पूछा गया। अब देखो, कह रहा फेयर क्यूबिक डाई इज रोल्ड 5 टाइम, सॉरी दिस इज नॉट फ्रॉम कॉइन बट मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया, ठीक है। कह रहा क्यूबिक डाई है इज रोल्ड 5 टाइम्स, एक डाई को मैंने 5 बार रोल किया है। वी गेट द फेस विद नंबर 1 ऑल 5 टाइम्स ऑन टॉप, यानी कि एक डाई को मैंने 5 बार रोल किया है और कह रहा है 5ों बार एक नंबर निकल के आया, दैट इज नंबर 1। आप सभी लोगों को पता है एक डाई में ये 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक, ये सभी को पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी की भाषा में, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में वी कॉल इट सैंपल स्पेस। जितने भी टोटल जो केसेस बनते हैं, आउटकम्स होते हैं, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। 5 बार मैंने डाई को रोल किया, 5ों बार एक नंबर आया, दैट इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम फेस ऑन द 6th ट्रायल, वो 6ठी बार भी सेम 1 नंबर आए उस डाई में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दिस विल बी 1/6। आपको पता है भाई 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, सो द टोटल आउटकम इज 6। और हमको चाहिए क्या, वी नीड 1, तो 1 तो एक ही बार आएगा ना 6 में, तो यानी कि दिस विल बी 1/6, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि पिछली 5 बार मैंने उस डाई को अगर रोल किया था, उस इवेंट का फर्क 6ठे बार जब मैंने उसको रोल किया उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारे क्या है, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बिकॉज दिस इज अनबाइज डाई। अनबाइज डाई का मतलब होता है जो पर्टिकुलर इवेंट मैं कर रहा हूँ, एक बार रोल कर रहा हूँ, उस रोलिंग में, नेक्स्ट वाली रोलिंग में कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, उसका मतलब उसका फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो सच टाइप ऑफ केसेस आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। ये मैंने प्रोबेबिलिटी में अच्छे से आपको बताया था वैसे तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आपको आ जाना चाहिए। इसी तरह से बोलेगा कि भाई एक कॉइन को मैंने 10 बार उछाला है और 10ों बार हमारे पास, 10ों बार हमारे पास हेड आया है, अब उसको मुझे 11th टाइम टॉस करना है, तो बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप ये बात सोचिए भाई 10 बार मैंने उसको टॉस किया था और 10ों बार हेड आ रहा है, तो 11वीं बार भी हर हाल में हेड आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 मत कर देना, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है, हमको हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए इन 11th टॉस, 11वें टॉस पे, तो यानी कि दिस विल बी 1/2, क्योंकि उन 10 का फर्क
ग्यारहवें वाले इवेंट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। राइट, अब समझ में सभी लोगों को अच्छे से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के सवालों को बोलते हैं भाई फ्री के नंबर। ये फ्री के नंबर देगा, बोनस मार्क्स। इस तरह के सवाल तो छोड़ने ही नहीं है, फ्री के नंबर देंगे। द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागन इन डिग्रीज इज व्हाट, सम निकालना है, वी हैव टू फाइंड द सम। ये पिछला वाला केस कभी भी डिपेंडेंट इवेंट की कैटेगरी में नहीं आ सकता, डिपेंडेंट इवेंट वाले केसेस अलग होते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को जरा करें। क्या दे रखा है? कह रहा है यहाँ पे हेक्सागन है भाई, दिस इज अ हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स है वो हमको बताना है, तो दिस इज अ हेक्सागन। ठीक है, दिस इज हेक्सागन। अभी जो इंटरनल एंगल्स हैं, दीज आर सिक्स इंटरनल एंगल्स, इनका सम हमको बताना है। जब भी हमको पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो एक ही फॉर्मूला लगाना है हमको, वो फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इन अ पॉलीगॉन, आप सभी को पता है हेक्सागन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स आर सिक्स, छह साइड होती हैं, तो एन का वैल्यू यहां पे हो जाएगा सिक्स, सिक्स माइनस टू यानी कि फोर इंटू 180 यानी कि 720। ऐसे सवालों को छोड़ के नहीं आना है। बिल्कुल ठीक, बढ़िया। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे आते हैं, क्योंकि जबरदस्त सवाल है। तो दो मिनट का समय लें और इस क्वेश्चन को आंसर करें। अगर पेंटागन पूछा गया है सिमरन, देन दैट द एन विल बी फाइव, क्योंकि पेंटागन के अंदर पांच यहाँ पे साइड्स होती हैं, दिस विल बी एन माइनस टू इंटू 180 यानी कि फाइव माइनस टू यानी कि थ्री इंटू 180 यानी कि 540 है उसका आंसर हो जाएगा सम का। तो जितनी भी पॉलीगॉन्स की साइड है वो आप एन का वैल्यू लगा दो, पेंटागन का मतलब फाइव, हेक्सागन का मतलब सिक्स, हेप्टागन का मतलब सेवन, ऑक्टागन का मतलब एट और डेकागन मतलब टेन। इस तरह से आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। चलिए इस सवाल को करिए और ट्रायंगल की एक जो प्रॉपर्टी है वो यहां पे यूज हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 यूनिट एंड द साइड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप सभी को पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। विद इंटीजर डिफरेंस द नंबर ऑफ सच पॉसिबल ट्राइंगल्स इज व्हाट।
चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। चलिए हमसे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 5 यूनिट, यानी कि एक ट्राइंगल है मेरे पास, उसकी जो स्मॉलेस्ट साइड है दैट स्मॉलेस्ट साइड इज ऑफ 5 यूनिट लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है 5 यूनिट। अब ये कह रहा है बाकी की जितनी भी साइड्स है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि बीच का जो गैप है सभी में इक्वल है। तो इस तरह की जो प्रोग्रेशन होती हैं दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें बीच का जो गैप है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो गैप है वो अगर सेम रहता है, इक्वल रहता है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड अगर 5 यूनिट की है तो बाकी की जो बड़ी वाली साइड्स हैं वो किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो वी हैव टू फाइंड द सच पॉसिबल ट्राइंगल्स जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसकी साइड्स हैं, और साथ ही साथ जो कॉन्जिक्यूटिव जो साइड्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक इंटीग्रल डिफरेंस। इंटीग्रल का मतलब 1, 2, 3, 4 में है, पॉइंट्स में नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए। पहला पॉसिबल केस क्या हो सकता है भाई? सबसे छोटी साइड अगर 5 है, इससे बड़ी वाली जो लेंथ है वो 6 हो सकती है, और इससे बड़ी वाली लेंथ उसकी 7 हो सकती है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, बीच का गैप कितना है इसमें? 1, 1 है। सेकंड केस ले लो, सेकंड केस में सबसे छोटी वाली साइड 5 है तो नेक्स्ट वाली जो साइड है दैट विल बी 7, और नेक्स्ट वाली साइड दैट विल बी 9। पहले 1, 1 का डिफरेंस ले लो, फिर 2, 2 का डिफरेंस ले लो, नेक्स्ट देखो 3, 3 का डिफरेंस लो, 5 और 3, 8, 8 और 3, 11, ऐसा भी पॉसिबल है। आगे देखो चौथा केस, 5, 4, 4 का डिफरेंस लो, फिर 9 और फिर 13। पांचवा केस लो, फिफ्थ लो केस, 5, 5 का डिफरेंस कर लो अब, 5 और फिर ये 10 हो जाएगा, और फिर ये 15 हो जाएगा, बस यहीं पे रुक जाए। अब एक प्रॉपर्टी निकल के आती है ट्राइंगल की, क्या कि भाई ट्राइंगल की कोई एक साइड जैसे कि ए बी है और ए सी है, ट्राइंगल की दो साइड का जो सम होगा, कोई भी दो साइड ले लो, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का जो सम होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी वाली साइड से ग्रेटर होगा, तभी वो ट्राइंगल बन पाएगा, नहीं तो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और इससे छोटी वाली साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये जो साइड आपको दिख रही है ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी 5 है, इन दोनों का सम भी 5 है, तो ये ऐसे बन ही नहीं पाएगा, तो ये दो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी ऐसे करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी दो साइड का जो सम होगा हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ ऐसा बन रहा है, 6 + 7 इसको करो, 5 + 6 = 11 है भाई, 7 से तो बड़ा है, ठीक है आगे बढ़ो, 5 + 7 = 12 है, 9 से बड़ा है, ठीक है ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। 5 और 10 ये हो गया 15, और तीसरी साइड भी 15 है, तो इन दोनों का सम कभी भी तीसरी साइड के बराबर या उससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये वाला केस इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगा, ये 4 केसेस वैलिड है, दिस 4 केसेस आर वैलिड, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएं भाई समझ में आ गई बात? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वेरी गुड। तो ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड।
वाला केस देखो ना, फोर्थ वाला केस भी ठीक है ना, 9 + 5 करोगे अगर आप, 9 + 5 करोगे कितना आएगा, 9 + 5 करोगे दिस विल बी 14, ये 14 आएगा ना, तो ये तीसरी वाली साइड से तो इसका सम बड़ा है ना, तो सम हमेशा बड़ा होना चाहिए। 5 + 9 कितना है, 14, जो कि 13 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 10 और 5 करोगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि तीसरे वाली साइड के बराबर है, तो ये तो हम नहीं चाहिए, हमको केवल ग्रेटर ही चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो याद रखें, जहां भी दो साइड्स का सम ग्रेटर होगा वहीं पे वो पॉसिबल ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, ये बूस्टर डोज में अभी मैंने सवाल करवाया था, बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल सभी क्वेश्चन होंगे सिमरन, हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे पूरे इस वीक में, तो डोंट वरी, कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का सवाल यहाँ पे नहीं छूटेगा, ठीक है। क्या बताएं, बताइए प्रवीण। करिए इसका आंसर भाई। एक सर्कुलर ट्रैक की यहाँ पे बात हो रही है, तो एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड 2 पर्सन यहाँ पे रन कर रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई। अब ये कह रहा है एक्स इज रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट सेकंड में, हर 40 सेकंड में जो एक्स है एक राउंड कंप्लीट कर देता है। क्या कर रहा है एक्स इस सर्कुलर ट्रैक में, अगर यहां से भागना चालू कर रहा है तो एक कंप्लीट राउंड ले रहा है 40 सेकंड के अंदर। वाई रनिंग इन द अपोजिट ऑन द सेम सर्कुलर ट्रैक। अब एक्स अगर इस डायरेक्शन में भागेगा, वाई इसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग दौड़ रहा है, क्रॉस एक्स एवरी 15 सेकेंड, ऐसा करने पे ये दोनों हर 15 सेकेंड पे मिलता है, 15 सेकेंड है क्योंकि ये लोग हर 15 सेकेंड बाद मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पूरा एक सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो दोनों लोग मिलके कवर कर रहे हैं, तो उनको 15 सेकेंड लग रहा है। द टाइम इन सेकेंड टेकन बाई वाई टू कंप्लीट वन राउंड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बताएं, क्या कमेंट्स, आपका कोई कमेंट यहाँ पे 2019 40 सेकंड के अंदर इस ट्रैक के अराउंड एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन अगर सेम एक्स और वाई मिलके, एक्स और वाई मिलके अगर चक्कर लगाते हैं, रोटेशन लगाते हैं, तो उनको केवल और केवल 15 सेकंड। अब ठीक है सब कुछ, जरा मुझे कंफर्म करें भाई, एवरीथिंग इज ऑल राइट।
अब ठीक है सब। ओके ठीक है। मैंने क्वेश्चन को भी बताया नहीं है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पे अगर कभी भी बफरिंग होती है तो आप लोग इसको पूरी जो YouTube है उसको पूरी तरह से बंद कर दो, उसके बाद दोबारा से रिज्वाइन कर देना, ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है तो। चलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें। चलिए देखो, सवाल हमसे ये कह रहा है, x इज रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक कंप्लीटिंग वन राउंड एवरी 40 सेकेंड। यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक में, एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड अगर x एक राउंड लगाता है तो x को 40 सेकेंड का समय लग जाता है उसके चारों तरफ एक रोटेशन लगाने में, ठीक है। अब कह रहा है वाई रनिंग इन द अपोजिट ऑन द सेम सर्कुलर ट्रैक क्रॉस एक्स एवरी 15 सेकेंड। अब ये कह रहा है एक पर्सन है वाई जो कि एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक रोटेशन लगाता है और एक्स को हर 15 सेकेंड के बाद मिलता है। तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस है, अब ये दोनों मिलके उसको कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसको कंप्लीट करने में इन लोगों को 15 सेकंड का समय लग रहा है, यानी कि एक्स और वाई मिलके इस सर्कुलर ट्रैक के अराउंड जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उनको लिया गया जो समय है दैट इज 15 सेकेंड्स, क्योंकि दोनों हर 15 सेकंड बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाई वाई टू कंप्लीट वन राउंड, यानी कि अगर उस राउंड को कंप्लीट केवल और केवल वाई अकेला करे तो कितने समय में ये कंप्लीट कर सकता है। अब जरा देखो ये वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम जैसा ही ये सवाल, वर्क एंड टाइम में हम एलसीएम ले देते हैं तो एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे? अब देखो सवाल को समझना कुछ ऐसे है कि किसी काम को x अगर 40 सेकंड में करता है, उसी काम को x और y मिलके करते हैं तो 15 सेकंड में करते हैं, तो बताइए अगर उस काम को केवल और केवल y करेगा तो कितने दिन में करेगा। इस तरह से सवाल को समझ सकते। अब देखो 40 और 15, इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा, द एलसीएम ऑफ दीज नंबर विल बी 120, 120 यूनिट यहाँ पे टोटल काम करना। किसी भी पर्सन को इस सर्कुलर ट्रैक के अराउंड अगर रन करना है, भागना है, तो उसको 120 यूनिट का काम करना पड़ेगा। अब इस 120 यूनिट काम करने के लिए एक्स को लिया गया जो समय है दैट इज 40 सेकंड्स। अगर मैं पूछूं इस 120 यूनिट काम को करने के लिए एक्स को अगर 40 सेकंड का समय लगता है तो एक सेकंड में कितना काम करेगा, आप बोलोगे भाई एक सेकंड में करेगा 3 यूनिट वर्क, कितना 3 यूनिट। एक मिनट में करेगा 3 यूनिट वर्क। अब जो एक मिनट का या एक घंटे का या एक मिनट का जो काम होता है, यानी कि एक यूनिट समय का जो टाइम जो काम होता है उसको हम नाम देते हैं वर्क इन टाइम में एफिशिएंसी। तो एक सेकंड में 3 यूनिट काम कर रहा है तो x और y मिलके एक सेकंड में कितना काम करेंगे, ये लोग 120 यूनिट काम करते हैं 15 सेकंड में, तो एक सेकंड में काम करेंगे 8 यूनिट। अब
सवाल ये उठता कि टाइम टेकन बाई वाई, वाई ने कितना समय लिया। भाई समय क्या होता है, जितना वर्क है, काम कितना है, काम है 120 यूनिट। वाई एक सेकंड में कितना काम करता है, अगर एक्स की बात पूछूं तो एक्स करता है भाई 3 यूनिट, और एक्स और वाई मिलके करते हैं 8 यूनिट, जिसमें से एक्स का जो वर्क है दैट इज 3 यूनिट। तो वाई का वर्क निकाल लो यहाँ से, वाई करेगा भाई 5 यूनिट, 5 यूनिट पर सेकेंड। तो अगर 5 यूनिट से अगर इसको डिवाइड कर दूँ, 1 सेकेंड के वर्क से, 1 सेकेंड के वर्क से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, वी विल गेट द टाइम। तो इसको कैलकुलेट करिए, यू विल गेट 24 सेकेंड, यानी कि 24 सेकेंड के अंदर वाई इस सर्कुलर ट्रैक का रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये है भाई सवाल। एप्टीट्यूड में आपका एमसीक्यू आता है, ठीक है, ओनली एमसीक्यू। समझ में आ गया, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भाई, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, सबसे अच्छा मेथड है वर्क इन टाइम। अगर वर्क इन टाइम आपको कॉन्सेप्ट पता है, एलसीएम मेथड पता है, तो आसानी से सवाल को कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ, इसलिए यहाँ पे पूरा टाइम लेता हूँ, नहीं तो इस समय केवल 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के, क्योंकि जितने स्टेप मैं लिखता हूँ ना, इससे इसका 10% भी आपको कॉपी में नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपको चीज़ें पता है अच्छे से, आप सीधे इसका एलसीएम लेके केवल 120/40 करके आओ। यही ट्रिक है इसका, बिल्कुल। मैं जो आपको समझाता हूँ ना, हर एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन करता हूँ, लेकिन अगर आपको वो समझ में आता है तो एग्जाम में इतना कैलकुलेशन लिखना लिखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे कॉपी और पेन का जितना कम से कम यूज करोगे आप लोग, उतना बेहतर। मैंने आपका ऊपर कमेंट चेक किया, देखो कमेंट में कोई भी आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। कुछ कुछ यहाँ पे कमेंट्स ऑटोमेटिकली विजिबल नहीं होते हैं, आपका कोई भी यहाँ पे कमेंट मुझको नहीं दिखाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये रहा। अब ये मिसिंग फिगर्स का ही सवाल है, यानी कि आपको 4 फिगर्स दे रखे हैं, तो इसमें कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ चेंज हर एक फिगर के अंदर। वो क्या लॉजिक, किस लॉजिक से ये फिगर को चेंज कर रहा है, नेक्स्ट फिगर किस लॉजिक पे बेस्ड है, ये आपको बस समझना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट फिगर क्या हो सकता है, यू हैव टू आंसर। तो मिसिंग फिगर्स के भी सवाल आते हैं। करिए भाई इसको और बताइए।
ऑप्शन नंबर वन। ओके सभी आंसर आ रहे हैं भाई, ऑप्शन सी ऑप्शन बी। देखिए हमसे कह रहे इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट फिगर। अब अगर देखा ध्यान से देखोगे आप लोग कि जो एक चीज को एक बार में लेना है, अगर इसमें चेंज आप देख रहे हो जो प्लस का जो सिंबल है इसमें अगर चेंज देख रहे हो तो थ्रू आउट द फिगर्स केवल इसी का चेंज देखिए। जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पे प्लस आ रहा है, उसके बाद ये शिफ्ट हो गया इस वाले कॉर्नर पे, उसके बाद ये इस वाले कॉर्नर पे होना चाहिए था लेकिन ये इस वाले कॉर्नर पे आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से छोड़ के इस वाले कॉर्नर पे आ गया। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो साइन है ये जो सिंबल है प्लस का ये हर एक कॉर्नर को छोड़ता हुआ जा रहा है, यानी कि एक कॉर्नर को छोड़ेगा फिर दो फिर तीन फिर चार इस तरह से। जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे था, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया इस वाले फिगर के अंदर, फिर ये इसने यहाँ पे एक भी कॉर्नर को नहीं छोड़ा है, यहाँ पे इस कॉर्नर को छोड़ते हुए ये पहुंच गया यहाँ पे, यानी कि इस वाले फिगर में इस तरह से है। उसके बाद एक कॉर्नर को छोड़ने के बाद दो कॉर्नर को छोड़ेगा इस फिगर के बाद, दो कॉर्नर को छोड़ दिया ये वाला और ये वाला, ठीक है सॉरी ये वाला और ये वाला, कहाँ पहुंच गया फिर यहाँ पे। अब ये तीन कॉर्नर्स को छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा इसको छोड़ेगा और इसको छोड़ेगा और दोबारा से अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा। दिस सिंबल जो सिंबल है प्लस का ये कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स हैं आपके इनके प्लेसेस को एक एक करके छोड़ रहा है, यानी कि पहले एक फिर दो फिर तीन इस तरह से। अब सवाल उठता है कि जो एरो है, जो एरो का जो साइन है ये किस तरह से आपका वर्क कर रहा है। पहले इधर है, उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ 45 डिग्री का ऐसे है, फिर यहाँ पे 45 डिग्री का रोटेशन हुआ, फिर इसके बाद ये ऊपर की, फिर ये इधर आ गया ऐसे, यानी कि यहाँ पे 135 डिग्री का रोटेशन हुआ, यानी कि 45 45 डिग्री का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले 45 डिग्री का, फिर 90 डिग्री का, फिर 135 डिग्री का, यानी कि 45 45 डिग्री का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर इसी ऑर्डर से चलते रहे तो नेक्स्ट क्या होगा, 180 का डिफरेंस होगा, यानी कि अभी जो इसकी पोजीशन है इसके वर्टिकली इसके जस्ट अपोजिट इसकी पोजीशन हो जाएगी, यानी कि इधर, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इस चीज को आप पहचानिए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा ये जो सिंबल है ये 45 90 135 180, यानी कि 45 45 के डिफरेंस पे चल रहा है और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और ये जो हमारा सिंबल है प्लस का ये हर एक कॉर्नर्स को लीव कर रहा है, यानी कि पहले एक कॉर्नर को छोड़ेगा फिर दो फिर तीन को छोड़ दिया उसके बाद चार इस तरह से। ठीक है, तो बस भाई आज का सेशन इतना ही रखते हैं और कल करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। तो आप लोग जुड़ जाया करो यहाँ पे 11 बजे, तो शार्प 11 बजे यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और इस पूरे वीक में इन सेशंस को लीजिए क्योंकि तो आपके लोगों का एग्जाम होगा 6 7 8 में, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं तो मैं चाहूँगा चलो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लो, इस सवाल को करना और कमेंट सेक्शन में आंसर करना।
ओके। किसी एक सिंबल को मान के सॉल्व इसलिए करेंगे जिससे आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपके पास जितने कम से कम ऑप्शन होंगे तो उतना गलती के चांसेस भी कम हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर एक सिंबल को देख रहे हो तो थ्रू आउट द फिगर उसी सिंबल को देखो जिससे आपके ऑप्शंस वैसे एलिमिनेट हो जाए और उससे आंसर भी जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा अभी विद इन हाफ आवर्स, तो वहां से इसको कलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी तो हम जुड़े रहेंगे पूरे वीक। ठीक है, चलिए।